दोस्तों मेरे चैनल मनोज नोगिया क्रिकेट फैन में आपका स्वागत है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 का शुभारंभ हो चुका है। 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और इंडिया का अभी पहला मैच होना बाकी है। श्रीलंका और नामीबिया के मैच के साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में इस बार यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है और भारत का सफर यहाँ 23 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। टीम इंडिया को अपने पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ना है। यह मैच मेलबोर्न के ऐतिहासिक ग्राउंड में खेला जाएगा। लेकिन एक बुरी खबर आ रही है दोस्तों, इस महा मुकाबले पर मौसम का संकट है। मेलबोर्न में 23 अक्टूबर को यानी रविवार को बारिश होने की संभावना बताई गई है और यह कुछ कम नहीं बल्कि संभावना 70% तक है। ऐसे में फैंस के लिए यह चिंता बढ़ाने वाला है, साथ ही आईसीसी के लिए भी यह अच्छा नहीं होगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के सुपर हिट मैच में आईसीसी को काफी उम्मीदें हैं। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड के सभी टिकट बिक चुके हैं, इनके लिए काफी मारामारी भी हुई है। लेकिन अगर मौसम की वजह से मैच में खलल डला तो करीब 1,00,000 लोग जो स्टेडियम में मैच देखने को बेकरार हैं, उनका दिल टूट जाएगा। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड स्टेज और सुपर 12 स्टेज राउंड के रिजर्व डे नहीं है, यानी अगर बारिश या किसी और वजह से मैच नहीं होता है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। हालांकि अगर बारिश कुछ देर के लिए खलल डालती है तो मैच में कुछ ओवर कम भी किए जा सकते हैं। मैच कराने के लिए कम से कम ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि दोनों पारियों में 5-5 ओवर डाले जा सके। दोस्तों इस मैच का सभी को इंतजार है लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब सर मौसम पे निर्भर है। देखना है कि रविवार को हम मैच देख पाते हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों